हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कार चार्जर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज आपके सामने मैं बहुत बेहतरीन कार चार्जर लेके आया हूं। ये कार चार्जर बर्गमैन जर्मनी का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट है। इसकी फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। कन्फ्यूज है कि कौन सा कार चार्जर लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं बर्गमैन जर्मनी, ये इसके पैकेजिंग पे लिखा हुआ है। और ऊपर से अगर देखता हूं ना तो पता चलता है कि इसमें तीनों तरह की केबल आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो करीबन 700-750 रुपए का ये मेरे को मार्केट में मिल गया था। MRP लिखी है 995, मतलब 1000 रुपए करीब इसमें MRP लिखी है। अब इसको मैं अनबॉक्स करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है गाइस। लेकिन उससे पहले ऊपर देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, ऊपर देख लेते हैं। देखिए, आपको प्रोडक्ट कुछ बना सा दिखा हुआ है। QC 3.0 स्मार्ट चार्जर, स्मार्ट IC इसमें बताई गई है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं XXF3 है। और फीचर्स की बात करें तो कंपैटिबल विद क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मोटा मोटा बता दूं कि इसमें देखिए तीनों तरह की एंड्रॉयड माइक्रो USB, एंड्रॉयड टाइप सी और एप्पल लाइटनिंग केबल, तीनों केबल आपको इस प्रोडक्ट के साथ मिलती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपैटिबल विद ऑल एंड्रॉयड एंड iOS फोन। सेफ्टी इसमें दी गई है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, सर्ज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। इनपुट आप देख सकते हैं 12 से 24 वोल्ट। आउटपुट आपका अगर स्मार्ट से लेंगे तो 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, और 3.0 पोर्ट से लेंगे तो वोल्टेज रेंज में एम्पियर रेटिंग इसकी कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। इस तरफ आके देखते हैं तो आपके कार जीनियस के नाम से ये आता है। एक साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे मिल जाती है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि अंदर हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सील पैक आता है ये, सील खोल ली है मैंने। एक हैंडल भी आप देखो, आपको हैंडल भी इसमें देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल। प्रोडक्ट खोलेंगे और देखेंगे, इधर से सीधा है। तो जब आप प्रोडक्ट को खोलते हैं तो एक अंदर ट्रे में अच्छे से सजा हुआ प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस चार्जर की, ठीक है। केबल तो आपको दिखाई दिए मैंने। चार्जर आप देख सकते हैं इसमें दो पोर्ट दिए हुए हैं, QC 3.0 और स्मार्ट, ठीक है। तो स्मार्ट में एकदम फिक्स 2.4 एम्पियर है, QC 3.0 में लोड के हिसाब से आपका एम्पियर चेंज होता रहता है। सेफ्टी रेट आपको इसमें बहुत सारी दी हुई है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। आउटपुट इस पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, आउटपुट इस पर भी लिखा हुआ है। और इसको मैं अभी साइड में नीचे रख देता हूँ। केबल की बात करें तो आप ये सबसे बढ़िया मुझे यही लगा कि एक तो एक केबल है ना, बहुत अच्छी रगड केबल है, ऑल इन वन है। अब ये देखना है कि एक ही में है या अलग अलग है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो अच्छा है, हर कोई यूज कर सकेगा, पर एक ही में है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये देखने में लग रहा है कि ये सब एक ही में है, लेकिन ठीक है। केबल की लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग ये 1 मीटर तो होगी ही, है ना। 1 मीटर तो लगभग ये केबल की लेंथ मुझे देखने को मिल जा रही है। ब्रेडेड केबल है, टूटने का खतरा नहीं है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत बढ़िया मेरे को लग रही है। एंड देखे तो आपका लाइटनिंग, ये आपका एंड्रॉयड नॉर्मल और आई टाइप सी, ठीक है। तो आपके तीनों एक ही में दिए हुए हैं, जिससे आपको फोन को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको चेक करके देखता हूं कि ये क्या वो देता है। मैं 10 मिनट तक चार्ज करूंगा अपने फोन को और 10 मिनट में देखूंगा कि कहां से कहां पहुंचा, उससे पता चल जाएगा कि भाई कितना तेज ये चार्जर है, ठीक है। तो मैं QC 3.0 में करूंगा, स्मार्ट में नहीं करूंगा। स्मार्ट में तो फिक्स एम्पियर रेटिंग है तो चार्जिंग भी फिक्स होगी। 3.0 में करूंगा क्योंकि बताया गया कि ये स्मार्ट IC इसमें लगी हुई है। तो इसको मैं फिलहाल अपने 24 वोल्ट वाले सॉकेट में इसको लगा देता हूँ। एक बार लग जाएगा तो हम इसको निकालने वाले नहीं है। जब गाड़ी में मैंने लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लू कलर की LED आने लगी है। इसमें आप देख सकते हैं, दिख रहा हो अगर आपको, तो ब्लू कलर की LED आने लगी। अब इसको फोन को चार्ज करेंगे, 10 मिनट तक चार्ज करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना चार्ज हो रहा है। तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि एक फोन हमारा कितने देर में चार्ज। फोन की बात बता दूं, कोई महंगा फोन नहीं है, आपका Realme 1 है मेरे पास, देख सकते हैं Realme 1 है।
तो अगर इस फोन पे अच्छी चार्जिंग मिल रही है तो हर फोन पे अच्छी चार्जिंग मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ चार्जिंग ऑन करने के बाद। दोस्तों चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, देखिए आप मेरा फोन अगर देख पा रहे होंगे ना, इसमें तो दिख भी नहीं रहा ना, रुको मैं कुछ खोलता हूं तो दिखेगा। 68% आप देख सकते हैं कि 68% ऑलरेडी मेरा फोन चार्ज है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में इसको चार्ज करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि कितना चार्ज ये पहुंच जाता है। तो चलिए आपके सामने मैं इसको लगा देता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ जो सॉकेट यूज किया है मैंने QC 3.0 वाला सॉकेट यूज किया है। देखेंगे कितनी देर में फिर आप फोन 10 मिनट में कितना चार्ज हो जाता है गाइस। तो दोस्तों 2:09 पे लगाया था और 2:19 हो गए हैं, 10 मिनट चार्ज हो चुका है फोन। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये 68 से 75% ये चार्ज हुआ है दोस्तों। तो अगर देखा जाए QC 3.0 जो आपका क्विक चार्ज वाला पोर्ट है उसमें करीबन हर 10 मिनट में ये पुराने वाले बेसिक वाले फ़ोन जिसको फास्ट चार्जिंग नहीं है वो आपका लगभग कितना 7% हो गया, 7% चार्ज हो पा रहे हैं, ठीक ठाक है, नॉर्मल है। अब मैं इसी के जो स्मार्ट आईसी वाले पोर्ट में ना जिसमें 2.4 एम्पीयर तक जाता है उसमें चार्ज करके फिर आपको बताऊंगा कि ये दूसरे पोर्ट में कितना तेज चार्ज हो रहा है। तो देख लीजिए 75% है और मैं इस पोर्ट को चेंज करके नीचे स्मार्ट चार्जिंग वाले पोर्ट में USB को प्लग इन कर देता हूँ, इसमें अपोजिट लगेगा, ये देखिए। तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया, 2:20 हो रहे हैं, 2:30 पे आपको मिलूंगा 75% से आगे दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए 75 से 82% चार्ज ये हो चुका है। तो दोनों ही मोड में मेरे फोन को लेकर, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है तो 7% ही चार्ज हो रहा है, मतलब हर 10 मिनट में 7% ये मेरा फोन जो सबसे बेकार वाला फोन मैं मानता हूँ बिना फास्ट चार्जिंग के वो चार्ज हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा अगर ये घटिया वाला फोन है चार्ज करने में, वरना अगर फास्ट चार्जिंग वाले फोन है तो ये आपको मेरे को लगता है कि जल्दी चार्ज हो जाएंगे। तो गाइज ये था इस चार्जर का फुल स्पेसिफिकेशन और डेमो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। हर 10 मिनट में 7% चार्ज मेरे घटिया वाले फोन को ये करता है। सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक तो केबल ब्रेडेड है और तीनों तरह की केबल हैं जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है, तीनों की तीनों केबल आपको इसमें मिल जाएंगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। चार्जिंग स्पीड वेरी कर सकती है, मेरा फोन तो बहुत घटिया है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो उसमें चार्जिंग स्पीड कम आई, आपका फोन अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली उसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा आएगी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक तो नहीं है मेरे पास, लोकल मार्केट में बर्गमैन करके आता है, आप जाके इसको खरीद सकते हैं। जर्मनी का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 7-750 की रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को तो पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।